हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। बात हो रही है सिगोरिन डिफेंस ओपनिंग की। सिगोरिन डिफेंस में मैंने थर्ड NFA में 4 वीडियोस आपको दे दिए हैं और लास्ट वीडियो में हम NC3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी NC3 के बारे में आगे बढ़ते हैं। थर्ड NC3 वाइट की मूव क्वींस गैम्बिट में थर्ड NC3 रहती है अगेंस्ट सिगोरिन डिफेंस। तो क्या करना है? तो पहले D4 ब्लैक खेलेगा, D5 C4 और Nc6, ये दो हमारी पैटर्न मूव हैं। उसके बाद वाइट अगर Nc3 करता है तीसरे मूव में, तो आपको क्या करना है? तीसरे मूव में Nc3 में हम पॉन टेक्स पॉन करते हैं। तो यहाँ पे बात होगी चौथी मूव की, फोर्थ मूव में लास्ट टाइम में हमने देखा था कि Nf3, तो उसके सामने हम Nf6 करते हैं और नाइट सेक्रीफाइस वाली एक लाइन भी बताई थी आपको। आज हम देखेंगे फोर्थ मूव में अगर वाइट D5 कर देता है अर्ली नाइट पे अटैक, तो क्या करना है आपको, और E3 करके सिंपल खेलना चाहता है तो आपको क्या रिप्लाई देना है। ये दोनों खास ध्यान रखो, बहुत ही इजी है सिगोरिन समझने के लिए, बहुत इजी है, क्योंकि डायरेक्टली नाइट टेक्स D5 या क्वीन टेक्स D5 की थ्रेट है, तो इसका रिप्लाई पहले वाइट को देना होगा। अगर नाइट अर्ली D5 करता है तो यहां पे आपके पास बेस्ट मूव है नाइट E5। आपके नाइट को सेंट्रलाइज करो, बिशप F4, यहां पे वाइट खेलेगा बिशप F4, आपके नाइट पे अटैक, यहां काउंटर अटैक करके नाइट को बचाना है नाइट G6 बिशप पे अटैक। तो बिशप G3 इज ए बेस्ट मूव। आफ्टर BG3 यहां आपको करना है A6। वाइट खेलेगा H4, यहां आपको करना है E6 सेंट्रलाइज। वाइट खेलेगा E4, यहां आपको खेलना है B5 और पॉन अब आपके फेवर में है। वाइट H5 नाइट 6 ऑन E7 क्वीन F3 सिंपल नाइट F6 D6, ये इतनी अच्छी मूव नहीं है, टैक्टिकल आपको अच्छा लगेगा। आफ्टर सीन टू D6 वाइट खेलेगा E5 डिस्कवर्ड अटैक ऑन रुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Nf D5 चले जाओ, इन टू D6 और नाइट F5 करके ये पोन आपको वापस मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन से ब्लैक काफी अच्छी तरह खेल सकता है सिगोरिन में। एक और भी थ्रेट है नाइट टेक्स G3 की और बाद में आपको बिशप टेक्स या क्वीन टेक्स पॉन मिल जाए। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी आपके सामने। अब दूसरी पोजीशन ये है D4 D5 C4 नाइट C6 NC3 पॉन टेक्स पॉन D5 नाइट E5। यहां पे बिशप F4 के बजाय वाइट के पास एक और ऑप्शन है क्वीन D4। तो क्वीन D4 में आपको क्या रिप्लाई देना है? यहां सिंपल नाइट सपोर्ट कर लो, नाइट G6 डेवलप बचा लो। आफ्टर E4 यहां सिगोरिन की बेस्ट लाइन है जो E5 को खेल सकते हैं, क्वीन टेक C4 और यहां एक बार A6 कर लीजिए ताकि नाइट B5 क्वीन B5 कुछ भी अलाउ ना हो। तो A6 के बाद वाइट खेलेगा बिशप E3 और लॉन्ग कैसल या रुक D1 का प्लानिंग, आपकी क्वीन साइड रुक रखने का आइडिया, जिसमें आप सिंपल बिशप D6 करके पूरी लाइंस ब्लॉक कर सकते हो। आफ्टर नाइट F3 H6 H3 वेटिंग मूव है, नाइट F6 नाइट D2 और कैसल, ये हो गए आपके 11th मूव कंप्लीट। इसके बाद वाइट अगर क्वीन साइड अटैक करना चाहता है तो B4 A3 B4 या रुक C1 वगैरह वगैरह खेल सकता है,
आपको भी इसके अच्छे से रिप्लाई देने हैं। काफ़ी अच्छी पोजीशन है ब्लैक के लिए, ये पोजीशन से भी आप ब्लैक से अच्छी तरह से खेल सकते हो। तो चलिए एक और वेरिएशन देखते हैं। अब ये वाला वेरिएशन है, काफ़ी लंबा है लेकिन एकदम इजीली मूव टू मूव आपको याद रह जाएगा। डी फोर, डी फाइव, सी फोर, नाइट सी सिक्स, एन सी थ्री, डी टेक सी फोर, डी फाइव, नाइट ई फाइव। यहाँ पे वाइट अगर एफ फोर करता है, यहाँ पे आपको खेलना है नाइट जी फोर। कई लोग सेंटर पे पॉन अटैक से खेलते हैं, उसके बाद वाइट खेलेगा ई फोर और यहाँ आपको खेलना है ई फाइव। अब वाइट पॉन तो लेगा ही नहीं क्योंकि नाइट टेक्स पॉन आसानी से ब्लैक के फेवर में है, तो वाइट खेलेगा एफ फाइव और आपके नाइट के ऊपर क्वीन की थ्रेट। यहाँ पे आपको खेलना है एच फाइव। अब यहाँ एच थ्री ब्लंडर है क्योंकि क्वीन एच फोर सिंपल चेक और नाइट और क्वीन से बहुत ही अटैक होता है, तो वाइट को यहाँ खेलना पड़ेगा नाइट एफ थ्री बिफोर एच थ्री। तो नाइट एफ थ्री के सामने आपको रिप्लाई देना है बिशप सी फाइव। बिशप सी फाइव के बाद वाइट खेलेगा बिशप टेक्स पॉन, बिशप टेक्स सी फोर। अब यहां आपको खेलना है नाइट एफ टू, नाइट फोर्क आफ्टर क्यू बी थ्री। दोस्तों ये मूव बहुत ही मतलब संभालने वाली मूव है। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उसका रूक मार के बिशप नाइट दोनों पीस दे दो तो टू माइनर पीस वर्सेस रूक, मतलब नाइट बिशप रूक और नाइट बिशप, पर ऐसा जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपने नाइट टेक्स रूक किया तो क्वीन बिफोर चेक, उसके बाद क्वीन टेक्स सी फाइव, देन क्वीन बी वन और आपका नाइट बाहर नहीं निकल सकता और आपका नाइट भी लॉस होगा। तो नाइट और बिशप दोनों देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप एक बार नाइट एफ सिक्स खेल दो, आफ्टर क्वीन बी फोर चेक, नाइट डी सेवन से बिशप को सपोर्ट, फिर रुक एफ वन आएगा तो सिंपल नाइट जी फोर वापस। नाइट जी फोर के बाद अगर वाइट बिशप जी फोर खेलता है तो सिंपल बिशप ई सेवन कर लो, आफ्टर बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक बिशप, और ये पोजीशन भी ब्लैक के फेवर में है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे रुक सी वन, ए थ्री, बहुत सारे मूव्स वाइट के पास है लाइक एच थ्री, तो सिंपल नाइट एफ सिक्स। तो ये इस पोजीशन से मैं बहुत गेम जीत चुका हूँ, बहुत गेम खेल भी चुका हूँ और इस पोजीशन से खेलने में मज़ा भी आता है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ए सिक्स देन क्वीन। मैंने एक गेम में ऐसा किया था कि जब रुक से नाइट पे एसिफ से नाइट पे अटैक हुआ था तो पहले मैंने काउंटर अटैक किया था टेन, उसके बाद बी फाइव, बिशप ई टू और उसके बाद नाइट एफ सिक्स। तो ऐसे गेम काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और अच्छी तरह आप ये गेम ब्लैक से हैंडल कर सकते हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिगोरिन डिफेंस की जो थर्ड एन सी थ्री वाली जो लाइंस है वो पूरी मैंने आपको अभी कंप्लीट करके दे दी है। यहाँ के इस पोजीशन के बाद नाइट सी फाइव, नाइट टेक्स पॉन, बहुत सारे थ्रेट है क्वीन, तो ये भी आपके पास अब आपके हाथ में ही है। आफ्टर बिशप बी सेवन आप सिक्योर बिशप और अच्छी तरह से ये गेम खेल सकते हो। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नए वेरिएशन में। सिगोरिन डिफेंस में थर्ड एन सी थ्री के वेरिएशंस ख़त्म हो चुके हैं, नेक्स्ट टाइम एक और नया वेरिएशन आपको सिखाऊंगा। उसको सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक वेरिएशंस बैक टू बैक आपको मिलते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।